आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। अगस्त माह के अंत में तहसील में आई बाढ़ ने 4,500 हेक्टेयर में लगी फसलों का नुकसान होने की जानकारी कृषि विभाग द्वारा प्राप्त हुई है। कृषि विभाग अंतर्गत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व पंचनामे के माध्यम से ये जानकारी जुटाई गई है। गत अगस्त माह में वैनगंगा व चुलबंद नदी पर आई बाढ़ ने नदी तट पर बसे 35 ग्रामों के किसान द्वारा लगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के चलते सिंचाई व बिना सिंचाई वाली दोनों तरह की फसलों का नुकसान हुआ है। बाढ़ग्रस्त किसानों को मुआवजा मिलने के लिए लाखांदुर तहसील में कृषि विभाग ने प्रत्यक्ष घटना स्थल पर जाकर सर्वेक्षण व पंचनामे किए। तहसील के 35 गांवों में कुल 4,439 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होकर 33% से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए शासन द्वारा बिना सिंचाई वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपए व सिंचाई वाली भूमि के लिए 13,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। पंचनामे पूर्ण होने से शीघ्र ही शासन द्वारा सहायता मिलने की बात कही जा रही है। दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय जेड इंटरप्राइजेस। अब भंडारा शहर में भी उपलब्ध है MI के अलग अलग प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जाइए राजीव गांधी चौक के जेड इंटरप्राइजेस में और खरीदे अपने मनपसंद MI प्रोडक्ट्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जुबैर अहमद 9284466878 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।